हेलो, मैं हूं करण बजाज। आजकल आप हर जगह एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कवरेज देख रहे होंगे। कभी आईपीओस के बारे में न्यूज़, कभी वैल्यूएशंस के बारे में न्यूज़, कभी एंटरप्रेन्योर्स की बैक स्टोरी। हर जगह एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में न्यूज़ है। तो काफ़ी बार दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि शुड आई ऑल्सो क्विट माई जॉब टू स्टार्टअप। तो आज हम लोग वो 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो सारे एंटरप्रेन्योर्स में होती है और वो एक मैथमेटिकल फार्मूला जिसे आप ये डिसाइड कर सके कि आई एम रेडी टू क्विट माई जॉब टू स्टार्टअप, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला पर्सनालिटी ट्रेट जो कॉमनली सारे एंटरप्रेन्योर्स में होता है वो है एक पैटर्न ऑफ रेस्टलेसनेस। अगर आप अपना प्रोफेशनल करियर देखें तो क्या आपका एक पैटर्न है कि आप हर बार नया ग्रोथ, नई लर्निंग के लिए बार बार इंडस्ट्रीज या कंपनीज मूव करते रहते हैं? तो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छा फिट है, क्योंकि ये जो हंगर ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ है ये सबसे ज़्यादा काम में आता है एंटरप्रेन्योरशिप में। तो अगर मैं अपना खुद का बैकग्राउंड भी देखूँ तो पिछले 20 साल में मैंने मल्टीपल इंडस्ट्रीज चेंज करी हैं। पहले कंज्यूमर गुड्स, उसके बाद राइटिंग, फिर मीडिया, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी। बार बार अपने जॉब्स चेंज करें हर 2-3 साल में, क्योंकि जब भी एक मेरा ग्रोथ प्लेटो होता था तो मैं रेस्टलेस हो जाता था कि कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है। तो ये जो पैटर्न है ये कॉर्पोरेट लाइफ में काफ़ी नेगेटिव था। जब मैं इंटरव्यूज़ करता था तो लोग पूछते थे कि आप तो हर जगह 2-3 साल रुकते हो, आप कहीं टिकते क्यों नहीं हो? पर स्टार्टअप में एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देखूँ, एक दिन था वाइट हैट जूनियर में जब मुझे डिसाइड करना था क्या कंपनी का जो कोड बेस है जिस पे कंपनी बनी है पूरी टेक्निकली, उसको स्क्रैप करके एक नए कोड बेस पे चले ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए। दूसरा ये डिसाइड करना था कि अपना जो कॉल सेंटर इनहाउस चल रहा है उसको बाहर आउटसोर्स करें या नहीं करें। तीसरा ये डिसाइड करना था कि कंपनी का सेल अच्छा चल रहा है क्या डबल कर दें अपने सेल्स और ऑपरेशंस के बंदे ताकि फास्टर ग्रो कर सकें। एक भी डिसीजन में से कोई गलत होता तो कंपनी अर्ली स्टेजेस में स्पेशली इन डिसीजन से बंद हो सकती है। पर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था क्योंकि मुझे एक आदत थी कि एक नई जगह पे जाओ, समझ जाओ उस फील्ड में जिसके बारे में ज़्यादा पता ना हो, बट रिसर्च करके समझ के और फिर डिसीजंस लेना स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने वो मीडिया में भी करा था, पहली बार आया था मीडिया इंडस्ट्री में, फिर समझ गया कि मीडिया इंडस्ट्री कैसे चलती है, फिर उसके बाद टीवी चैनल्स वगैरह का डिसीजन लिया। तो अगर आपके पास ये पैटर्न है कि आप हंग्री हैं लर्निंग और ग्रोथ के लिए तो आपके लिए स्टार्टअप एक बहुत बहुत अच्छा फिट है। सेकेंड, डू यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग थिंग्स? अगेन, अगर आपका एक हिस्ट्री है कुछ क्रिएट करने का तो स्टार्टअप्स आपके लिए बहुत अच्छा फिट है, क्योंकि आप चाहे कोई भी इंडस्ट्री में हो, एंड इट कैन बी एज डिवर्स एन इंडस्ट्री एज राइटिंग, यू विल सी द पैटर्न ऑफ क्रिएशन बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो अगर मैं राइटिंग का एग्जांपल दूँ तो सिंस मेरा एक्सपीरियंस था एक नॉवल लिखने में, तो सारा जो एक क्रिएटर को एक लर्निंग से जाना पड़ता है कि सबसे पहले एक अनसर्टनटी कि मैं कैसे एक ब्लैंक पेज को एक नॉवल में टर्न करूँ 300 पेज के नॉवल में, फिर एक फियर कि लोग क्या कहेंगे अगर उन्होंने मेरा नॉवल पढ़ा, वही स्टार्टअप के अंदर भी यही होता है, लोग क्या कहेंगे अगर ये नहीं चला, फिर वो फियर को आप ओवरकम करते हो। तीसरा, रिजेक्शंस। जब मैं अपना नॉवल्स पिच कर रहा था पब्लिशर्स को तो रफली 60-61 रिजेक्शंस आए थे मेरे तीसरे नॉवल पर। स्टार्टअप में भी यही होगा, आप खुद अपना बनाएंगे फिर एक पिच करने जाएंगे तो लोग रिजेक्ट करेंगे। तो अगर आपको ये एक क्रिएशन इंडस्ट्री की आदत है, आपने कुछ बनाया हो, एक सिस्टम, एक बिजनेस प्रोसेस अपनी कंपनी में कुछ, और आपको वो अच्छा लगता है द एक्ट ऑफ क्रिएशन, देन अगेन स्टार्टअप्स आर अ वेरी गुड फिट फॉर यू। तीसरा, डू यू लाइक डिटेल्स? क्या आप डिटेल ओरिएंटेड है, 100% माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं चीज़ें? देन अगेन स्टार्टअप बहुत अच्छा फिट है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब कॉर्पोरेट लाइफ से लोग स्टार्टअप में आते हैं सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उन्हें आदत नहीं होती एकदम डिटेल्स में जाने की, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में 5-7 साल के बाद उनके अंडर लोग होते हैं, फिर और सीनियर जाते हैं तो और लोग होते हैं, तो उन्हें डिटेल्स का आदत उनका कम होता जा रहा है। बट स्टार्टअप्स में डिटेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आपको पूरा सिस्टम खुद से स्क्रैच से बनाना होगा। तो वाइट हैट जूनियर के केस में जो पहले 200-300 CRM के ईमेल्स थे वो मैंने खुद बैठ के लिखे थे सारे के सारे, बिकॉज कोई और था नहीं उस टाइम लिखने के लिए। फिर उसके बाद कंपनी चल भी गई और अच्छा खासा क्लासेस चल रहे थे, तो पहला कॉल सेंटर के एम्प्लॉय मैं खुद था, खुद बैठ के माइक्रोफोन, कैमरा, यूजर्स का खुद ठीक करता था, और उससे एक सिस्टम बना जो बाद में जाके स्केल हो पाया कॉल सेंटर के थ्रू। बट इनिशियल आपको 100% डिटेल्स खुद करने पड़ेंगे, और अगर आप वो रेडी हैं करने के लिए तो अगेन स्टार्टअप आपके लिए एक अच्छा फिट है। चौथा, डू यू हैव द ह्यूमिलिटी ऑफ अ बिगिनर? क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। जैसे मुझे याद है कि एक दिन पहले स्टार्टअप करने से मैं डिस्कवरी में था
वहाँ पे 40 साल का था, सीईओ था, बहुत लोग थे मेरे अंडर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से डिस्कशन होता था टीवी शोज के बारे में। वो सब छोड़कर वाइट हैट जूनियर में मैं 4-5 लोग के साथ एक रूम में बैठा हुआ और दिन भर कस्टमर्स को खुद कॉल करता रहता था, जो रिजेक्ट करते रहते थे बार बार और बोलते थे बाद में कॉल करो, और फिर ऑब्वियसली कभी कॉल नहीं उठाते थे। और फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से जब मैं मिलने गया तो मुझे याद है शायद पहला हफ्ता था जब मैंने डिस्कवरी छोड़ा था, तो मैं 40 इयर्स का था और एक 21 इयर्स ओल्ड एक वेंचर कैपिटलिस्ट था। उन्होंने मुझे वेट करवाया जब तक वो लंच कर रहे थे, एक घंटा पहले वेट करवाया, फिर 5 मिनट में लंच करते हुए मुझे बोला कि ये पिच ठीक नहीं है तो आप निकल लीजिए। तो ये एक पैटर्न है जो आपको बार बार स्टार्टअप्स में एक्सपीरियंस करना पड़ता है, विच इज़ फेलियर एंड ह्यूमिलिटी। तो अगर आपके पास एक ह्यूमिलिटी है तो अगेन आप स्टार्टअप्स में बहुत अच्छा करेंगे। और फिफ्थ पर्सनैलिटी ट्रेट, एनर्जी ऑफ अ 21 ईयर ओल्ड। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं स्टार्टअप के, तो कोई ना कोई दुनिया में 18, 19, 20 या 21 साल का सेम प्रोजेक्ट पे अपने डॉर्म रूम अपने कॉलेज से काम कर रहा है, और आपको उस एनर्जी को मैच करना होगा। एंड जब आप अपनी कंपनी भी स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो फाउंडिंग टीम होती है इनिशियली, वो बहुत यंग और यूथफुल और एनर्जेटिक होती है, क्योंकि आप जूनियर लोग को सबसे पहले हायर करते हैं। एंड फाउंडर्स एनर्जी सेट्स द एनर्जी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको वो एनर्जी लाके हर रोज लानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक द स्टार्टअप फुल ऑफ एनर्जी एंड सक्सेसफुल। एंड मेरे केस के अंदर भी थैंकफुली मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस था योग और मेडिटेशन करने का, तो मेरी एनर्जी बहुत हाई थी एंड वो एनर्जी बहुत काम में आई वाइट हैट जूनियर को इस्टैब्लिश करने के लिए। तो अगर ये 5 पर्सनैलिटी ट्रेट और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला का आपका आंसर है येस यू आर रेडी, देन आप रेडी हैं स्टार्टअप करने के लिए। और डेफिनेटली ये वीडियो देखिए ऑन हाउ टू रेज स्टार्टअप फंडिंग विदाउट हैविंग अ प्रोडक्ट। कॉमेंट्स में और आपके क्या क्वेश्चन हैं स्टार्टअप के बारे में डेफिनेटली डालिए, ताकि मैं वो पिकअप कर सकूं और अगले वीडियोस में कवर कर सकूं। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस के आंसर मिल सकें। मैं हूं करण बजाज एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो।